हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती। और आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट और मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको नवरात्रि पार्टी के लिए गेम चाहिए। तो लास्ट टाइम भी मैं आपके साथ बहुत सारे गेम्स शेयर कर चुकी हूं, और इस बार भी मैं आपके साथ दो गेम शेयर कर चुकी हूं, और आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी तंबोला की गेम लेकर आई हूँ। आई होप आप इसे अपनी पार्टी में ज़रूर खेलेंगे और आपकी फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आएगा इसको खेल कर। तो चलिए आज की गेम आपको बताते हैं, आपको बनानी कैसे है और उसके बाद खेलनी कैसे है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक चार्ट पेपर पर मैंने ये गेम बनाई है, और इसमें मैंने यहाँ पे 20 बॉक्सेस बनाए हैं। तो इसी तरह से आपको 20 बॉक्सेस बनाने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लॉर्ड्स जो हमारे भगवान हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं, यानी कपल्स में ये नेम लिखे हुए हैं, और कुछ के मैंने फैमिलीज़ के नेम भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको लिख लेने हैं, और उसके बाद आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उतनी आपको कॉपीज़ करवानी है, और उसके बाद आपको इनमें फिल करने हैं नंबर्स। यहाँ पे आप 1 to 90 जो आपके तंबोला के नंबर्स होते हैं उनमें आप नंबर्स फिल कर दीजिए, और ये नंबर्स होंगे वो सभी मेंबर्स की स्लिप में डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये नेम्स पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ये गेम बनानी, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसके डिविडेंड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें कपल्स के नेम हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कृष्णा राधा एक कपल हुआ हमारा, फिर शिव पार्वती सेकंड कपल हुआ, फिर सरस्वती और ब्रह्मा थर्ड कपल हुआ, और उसके बाद विष्णु लक्ष्मी हमारा फोर्थ कपल हुआ, फिर सीता और राम फिफ्थ कपल हुआ, और उसके बाद हमारा सिक्स कपल है गणेशा और रिद्धि सिद्धि। इनकी 2 वाइफ्स हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है। तो ये तो हो गए आपके कपल्स, और उसके बाद इनकी फैमिलीज़, मैंने 3 फैमिलीज़ के नेम भी लिखे हुए हैं। जैसे शिव पार्वती हैं तो इनके गणेशा कार्तिकेय और नंदी, ये 5 हो गए, और उसके बाद सीता राम लव कुश और हनुमान, तो ये एक फैमिली होगी। और उसके बाद गणेशा की ही फैमिली है रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, तो ये 5 नेम इनके हो गए। तो इस तरह से आपको गेम बनानी है, सभी के सभी नेम्स आपको लिखने हैं उस पे अपनी स्लिप पे, और उसके बाद आपको नंबर्स लिखने हैं। तो अब आपके डिविडेंड्स क्या होंगे इनको बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे करें, और उसके बाद रेड बटन क्लिक करके, और उसके बाद आएगा बेल आइकॉन, जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे जिनसे आप इमीडिएटली मेरा ये गेम देख सकते हो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट आपको डिविडेंड बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिविडेंड होगा, जैसे मैंने आपको कपल्स बताए हैं, तो यहाँ पे जैसे आप नंबर्स लिखते हो तो कृष्णा और राधा, तो ये आपका एक डिविडेंड हो जाता है, यानी 2 नंबर आपके कट जाते हैं तो आपका एक डिविडेंड कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद शिव पार्वती, जब ये नंबर्स कट जाते हैं तो आपका एक और डिविडेंड हो जाता है, यानी सेकेंड डिविडेंड हुआ। उसके बाद विष्णु लक्ष्मी, यहाँ पे आप नंबर लिखोगे, यहाँ पे आप नंबर लिखोगे, जब 2 नंबर कट जाएँ तो आपका एक और डिविडेंड हो जाता है। और उसके बाद है ब्रह्मा सरस्वती, तो इनके यहाँ पे आप नंबर्स लिखोगे तो ये आपका एक और डिविडेंड हो जाएगा। उसके बाद है सीता और राम, तो ये 2 नंबर्स कट जाते हैं तो आपका नेक्स्ट डिविडेंड हो जाता है। और उसके बाद आपका 6th डिविडेंड होगा गणेशा रिद्धि और सिद्धि, यानी ये 3 नंबर्स कट जाएंगे तो आपका एक और डिविडेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके 6 कपल्स हुए, यानी आपके 6 डिविडेंड्स हुए हो गए। और अब जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें फैमिलीज़ के नेम हैं, तो सबसे पहले जैसे हमारी फैमिली हुई शिव पार्वती, और उसके बाद गणेशा कार्तिकेय और नंदी जी, यहाँ पे भी हम नंबर्स लिखेंगे, तो जब ये आपके 5 नंबर्स कट जाते हैं तो आपका एक और डिविडेंड हो जाएगा, यानी आपका 7th डिविडेंड हो जाएगा। और उसी तरह से सीता राम लव कुश और हनुमान, तो ये 5 नंबर भी कट जाते हैं तो आपका 8th डिविडेंड हो जाएगा। और उसके बाद है गणेशा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, तो ये भी 5 नंबर्स होंगे यहाँ पे,
तो आपके ये 9th डिविडेंट हो जाएगा। तो इससे से डिविडेंट्स होंगे। और अगर आप इसमें हाउसेस रखना चाहते हो तो आप अगर जिसके सभी के सभी 20 के 20 नंबर्स कट जाएंगे तो उनका ये एक और डिविडेंट यानी 10th डिविडेंट हो जाएगा। बाकी आप हाउसेस 1, 2, 3 जितने भी करना चाहते हो उतने कर सकते हो। और अगर आप इसमें हाउसेस नहीं करना चाहते, जैसे आप सोचते हो कि 9 डिविडेंट सफिशेंट है हमारे लिए, तो आप इसमें सिर्फ ये डिविडेंट्स भी कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और सिंपल सी गेम है। डेफिनेटली आपकी फ्रेंड्स को खेल कर मज़ा आएगा। इसे खेलिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिया आपने, तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय, हैव फन, टेक केयर।